मैं हूँ रेहान खान गुरबो तालेबू के। जैसे फेस्टिवल ए ग्रेड है गुरबो में, उसी तरह मिर्ची एफएम नंबर वन है गुरबो में। एलिन लटका में मिर्ची एफएम को लॉक कर दिया जाए, मिर्ची एफएम इट्स हॉट। हम नकासी से सायमान है, हमारा फेस्टिवल जैसे नंबर वन है वैसे मिर्ची एफएम नंबर वन है। माय नेम इज दिनेश, हम नेंडी में काम करता है स्लीपिंग जॉइंट जिपलाइन में, और मिर्ची एफएम इज हॉट, आई लाइक इट। मिर्ची एफएम इट्स हॉट। नमस्कार फीजी, समाचार दर्शन के साथ रितिका प्रताप। टेस्ट्री स्कॉलरशिप एंड लोन्स बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव बॉबी महाराज पर दफ्तर का दुरुपयोग करने का एक अभियोग लगाया गया है। उसे आज शाम को सुबह मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश किया गया था। उसके अभियोगों को आज अदालत में पढ़कर नहीं सुनाया गया, जबकि उनके वकील अविनेश रेड्डी नहीं चाहते थे कि जानकारियों को मीडिया को रिलीज किया जाए। महाराज ने नेम सप्रेशन यानी उनके नाम को आम न करने की मांग की, और उनके वकील का ये बहस था कि वे अभी भी एक सरकारी इंस्टीट्यूट के चीफ एग्जीक्यूटिव है। रेड्डी का कहना है कि स्कॉलरशिप्स और लोन्स को लेकर स्टूडेंट्स का TSLB पर बहुत भरोसा है, और अगर उन्हें पता चला कि जो व्यक्ति इंस्टीट्यूट को चला रहा है अदालत में है, तब उनका विश्वास उठ जाएगा। रेड्डी ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर महाराज के आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तब उनके रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। मजिस्ट्रेट चोची बुसेवांगा ने यह फैसला सुनाया कि महाराज को नेम सप्रेशन नहीं दिया जा सकता, उसे जमानत पर छोड़ा गया है। मुकदमे को 2 नवंबर तक स्थगित किया गया है। इस वर्ष अगस्त तक कंज्यूमर तथा स्मॉल बिजनेस लोन्स लगभग $662 मिलियन लागत की थे। इसका खुलासा इंडस्ट्री एंड ट्रेड के परमानेंट सेक्रेटरी शहीन अली ने आज कंज्यूमर क्रेडिट एक्ट रिव्यू पर जारी एक वर्कशॉप में किया। रिजर्व बैंक ऑफ फीजी की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि भारी मात्रा में लोग लाइसेंस्ड बैंक्स और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से कर्ज नहीं लेते हैं, इसके बजाय लोग मनी लेंडर्स से कर्ज ले रहे हैं। अली ने बताया कि यह क्रेडिट मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा है तथा कानूनों को बदलने की जरूरत है ताकि ग्राहकों के इंटरेस्ट को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस वर्कशॉप में कंज्यूमर क्रेडिट लॉज को आधुनिक बनाने पर काम की जा रही है। लोगों को अब फीजी नेशनल प्रोविडेंट फंड के दफ्तरों में लंबे कतार में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, जबकि उनकी सेवाओं को डिसेंट्रलाइज करने पर काम की जा रही है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चाची कोरे ने आज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल अफेयर्स को बताया कि नई योजना को तैयार की जा रही है। FNPF के मेंबर्स जल्द अपने अकाउंट्स को स्मार्टफोन एप्लीकेशंस पर एक्सेस कर सकेंगे या नजदीक के कियोस्क पर जा सकते हैं। फंड देश में एकमात्र सुपर एनोवेशन है, और कोरोय ने बताया कि वे अपनी सेवाओं में कोई खामियां नहीं ला सकते। FNPF का कहना है कि वे सेवाओं में सुधार लाने के लिए रिफॉर्म्स पर ध्यान दे रहे हैं। कोरोय ने बताया कि इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौकों की तलाश करना उनके लिए चुनौती है, लेकिन वे डेवलपमेंट पर गौर करते रहेंगे। और खेलकूद में फिजी रग्बी यूनियन को नेशनल मेंस सेवन्स हेड कोच पद के लिए 13 एप्लीकेशंस मिले हैं। एक बयान में आज FRU ने पुष्टि की कि उन्होंने नए कोच को चुनने का काम शुरू कर दिया है। FRU बोर्ड जल्द कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यूज शुरू करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ओकोना ने कुछ खास खुलासा न करते हुए कहा कि बेन रायन के सक्सेसर की तलाश जारी है। 17 लोगों ने वुमेन्स टीम के कोच के पद के लिए अर्जी लगाई है। ये थे आज के मुख्य समाचार। याद रहे, समाचारों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची एफएम को सुन सकते हैं। शुभरात्रि। रहता है रेडियो फिजी 2 हमारे अच्छा प्रोग्राम है, हमारे कोरवांगा के सभी लोग रेडियो फिजी ज्यादा सुनते हैं। रेडियो फिजी 2 देश के धड़कन हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम। प्रणाम फिजी, मैं नवनीता लकेना में रहती हूँ। पूरी दुनिया भर की खबर मैं रेडियो फिजी 2 से सुनती हूँ। मैं देवेंद्र विजय वनीबाव के रहने वाला हूँ। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन मैं हर वक्त सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन।